नमस्कार दोस्तों, फैमिली लॉ के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड स्टेट रेगुलेशंस, इसका 5वां हिस्सा जिसका नाम है डाउरी। कस्टमरी प्रैक्टिसेस हमारे हिंदू धर्म की कुछ अनिष्ट रूढ़ी और परंपराएं हैं, और स्टेट रेगुलेशंस यानी हमारे सरकार ने उन परंपराओं को रोकने के लिए, उन अनिष्ट परंपराओं को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन से कानून पास किए, इसे हम लोग कहते हैं स्टेट रेगुलेशन। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाउरी। डाउरी का मतलब है दहेज हिंदी में, और मराठी में इसे कहते हैं हुंडा। सो डाउरी का हम लोग पहले थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब देखते हैं और इसका हिस्ट्री देखते हैं, और आपको ये एग्जाम में लिखना है। डाउरी इन जनरल मीन्स एंड इंक्लूड्स पेमेंट इन कैश काइंड और बोथ टू हस्बैंड और हिज फैमिली इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू द ब्राइड इन हर इन लॉज हाउस। डाउरी का मतलब है दुल्हन के माँ बाप की ओर से दूल्हे के माँ बाप को या फिर दूल्हे को कुछ कैश देना, यानी पैसा देना, कुछ वस्तुएं देना। जैसे हम लोग गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, घर देते हैं, या फिर कुछ कुछ नहीं तो एक मोटरसाइकिल दे देते हैं। ये कहते हैं दहेज की प्रथा का एक जनरल डिस्क्रिप्शन। और ये इसलिए देते हैं कि जो दुल्हन दहेज के बिना घर पे आती है उसको ससुराल के अंदर पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और ऐसा ना हो इसीलिए जनरली समाज के अंदर अभी भी लोग दहेज देते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही बुरी बात है, अनिष्ट रूढ़ी है और परंपराएं हैं। द कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ डाउरी वॉज द डिस्टॉर्टेड एंड फ्रैक्चर्ड वर्जन ऑफ वैदिक प्रैक्टिस ऑफ वरदक्षिणा। हमारे वैदिक धर्म में या फिर हिंदू धर्म में वरदक्षिणा नाम का एक कॉन्सेप्ट है, एक रिचुअल है। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्रास द हिंदू सेरेमनी ऑफ मैरिज एंड्स विद द रिचुअल ऑफ कन्यादान। द रिचुअल ऑफ कन्यादान इज नॉट कम्प्लीट टिल द ब्राइड ग्रूम वॉज गिवन वरदक्षिणा। सो वेन अ ब्राइड इज गिवन ओवर टू द ब्राइड ग्रूम ही हैज टू बी गिवन समथिंग इन कैश और काइंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स एज वरदक्षिणा। Thus, Kanyadan became associated with Varadakshina, that is the cash in gift or in kind by the parents of guardian of bride to the bridegroom. तो हमारा जो हिंदू धर्म है उसका जो वैदिक पीरियड है उसमें क्या होता था, शादी करते वक्त सबसे अंतिम रिचुअल है कन्यादान, कन्यादान और पाणी ग्रहण। यानी कन्या का जो बाप है वो अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है और कन्यादान करता है, और कन्यादान का सबसे अंतिम रिचुअल है वरदक्षिणा, यानी जो दूल्हा है उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है बाप, यानी जो दुल्हन का बाप है वो कुछ ना कुछ गिफ्ट वॉलेंटरीली अपनी खुशी से देता है, और इसे हम लोग कहते हैं वरदक्षिणा। और वरदक्षिणा शादी का सबसे अंतिम रिचुअल माना जाता है जो वॉलेंटरी नेचर का था, लेकिन ये जो डाउरी है या फिर जो हुंडा है या फिर दहेज है वो इसी का डिस्टॉर्टेड और फ्रैक्चर्ड रूप बन गया, और जो वॉलेंटरी प्रैक्टिस थी वरदक्षिणा की वो कंपल्सिव डाउरी बन गई। ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, और वरदक्षिणा और कन्यादान ये दोनों चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए। हो सके तो इनको हिंदी में लिखना, देवनागरी स्क्रिप्ट में दिखना चाहिए, एग्जामिनर को ये दिखना चाहिए कि आपको वरदक्षिणा और कन्यादान ये दोनों रिचुअल्स पता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। The Varadakshina was offered out of affection and not any kind of compulsive or coercion or consideration for the marriage. It was a voluntary practice without any coercive overtones. In the course of time, the voluntary element in the dowry has disappeared and coercive element has crept in. It has also taken deep roots not only in the marriage ceremony but also in the post-marital relationship. What was originally intended to be taken dakshina for the bridegroom has now gone out of proportion and has assumed the nomenclature dowry. Dowry Prohibition Act 1961 forbids the customary practice of dowry. The act prohibits the giving or taking of dowry. तो वरदक्षिणा जो शादी का सबसे अंतिम रिचुअल माना जाता है, यानी कन्यादान का सबसे अंतिम रिचुअल माना जाता है, जो वॉलेंटरी नेचर का था वो समय के साथ एक गंदी और अनिष्ट प्रथा बन गया, और एक कोर्सिव यानी जबरदस्ती के किस्म का एक रिचुअल बन गया, जो बेसिकली रिचुअल तो था ही नहीं अकॉर्डिंग टू द ओल्ड धर्मशास्त्रास, लेकिन समाज ने इसको बहुत ही अच्छे से अपनाया, और इस अनिष्ट प्रथा को अपनाते हुए दुल्हन के माँ बाप के ऊपर जबरदस्ती करने लगे, और इसीलिए हमारे सरकार ने, हमारे स्टेट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर पास कर दिया,
और इसका मेन एम है प्रोहिबिशन और गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, यानी गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी इस एक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करना, प्रोहिबिट करना और इसे अनलॉफुल बनाना, ये इसका एम है। तो आपको कन्यादान के ऊपर भी एमसीक्यू निकल कर आ सकता है, वरदक्षिणा के ऊपर भी, और जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961, इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक के ऊपर आपको एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का मैं आपको एक छोटा सा मैप दे देता हूँ आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। सेक्शन 3, पेनाल्टी एंड पनिशमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स एंड विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 15,000 रुपीज और द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज मोर। इसका मतलब है डेफिनेशन ऑफ डाउरी सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 पेनाल्टी एंड पनिशमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, 5 साल तक की जेल, 15,000 तक का फाइन और जो डाउरी का जो अमाउंट है वो वापस करना पड़ेगा, यानी आपके जेब से 15,000 तो जाएंगे ही, साथ में आपने जो दहेज में लिया है उसे भी वापस करना होगा, विच एवर इज मोर। सेक्शन नंबर 4, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स बट विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स एंड अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। मान लो किसी दूल्हे ने या फिर दूल्हे के माँ बाप ने डाउरी मांगी और दुल्हन के बाबा माँ बाप ने उसे देने से मना कर दिया और कंप्लेंट कर दी, तो अनसक्सेसफुल डाउरी के लिए 6 महीने तक की सज़ा, जो 2 साल तक भी जा सकती है, और 10,000 तक फाइन जा सकता है। सेक्शन नंबर 5, एनी एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी शैल बी वॉइड वॉइड अब इनिशियो, यानी दूल्हे ने और दुल्हन के माँ बाप ने ऐसा एक एग्रीमेंट कर दिया कि मेरी बेटी से शादी कर दो, मैं आपको इतना दहेज दूंगा, और ऐसा बाकायदा उन्होंने एक पेपर के ऊपर लिख के एक एग्रीमेंट कर दिया, दैट एग्रीमेंट इज अनएनफोर्सिएबल, दैट इज वॉइड अब इनिशियो। सेक्शन नंबर 6, एनी पर्सन अदर देन द हस्बैंड हु हैज़ रिसीव्ड अ डाउरी शुड हैव टू रिटर्न इट टू द ब्राइड विद इन 3 मंथ्स और विल हैव टू फेस इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स और अप टू 2 ईयर्स। तो दुल्हन के माँ बाप ने किसी और को डाउरी दी, यानी दूल्हे के किसी चाचा को या फिर मामा को डाउरी दी, तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि अगर कंप्लीट उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि 3 महीने के अंदर उसे वो चीज़ वापस करनी होगी, अन्यथा उसे 6 महीने की या फिर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आपको मैंने मैप दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ डाउरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी टू द मैरिज और बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू अ मैरिज और टू एनी अदर पर्सन एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड डावर्ड और मेहर इन केस ऑफ पर्सन्स टू हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज। इसका मतलब है डाउरी यानी मैरिज की एक पार्टी ने, मान लीजिए दुल्हन के या फिर दुल्हन के परिवार ने दूल्हे के परिवार को या फिर दूल्हे को दी जाने वाली कोई वस्तु जो वॉलेंटरी स्वरूप की नहीं है, कोअर्सिव नेचर की है, जबरदस्ती से मांगी गई है, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे डाउरी। लेकिन डाउरी की डेफिनेशन में किसी भी पर्सनल लॉ में, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर शरीयत का एग्जाम्पल दिया है, डावर या फिर मेहर, ये जो वॉलेंटरी चीज देने वाले जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का समावेश नहीं है, या फिर ऐसी किसी भी चीज़ों का समावेश नहीं है जिसे कोई पर्सनल लॉ परमिट करता है एज अ रिचुअल। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 है, द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज़ द सेम मीनिंग एज सेक्शन नंबर 30 ऑफ IPC एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। सेक्शन 304B, इसका पहला क्लॉज कहता है डाउरी डेट ड्यू टू क्रुएल्टी एंड हरासमेंट बाय हस्बैंड और हिज फैमिली। सेक्शन 304B का पहला सेक्शन डाउरी डेथ क्या है इसे डिफाइन करता है, एंड सेक्शन 304B का दूसरा सब सेक्शन पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ बताता है। पनिशमेंट फ्रॉम 7 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये होगी हुंडाबई या फिर डाउरी डेथ की पनिशमेंट। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। डाउरी का डेफिनेशन भले ही आप वर्ड टू वर्ड ना प्रोड्यूस करो, लेकिन वरदक्षिणा, कन्यादान
और बाकी सारे जो रिचुअल्स मैंने बताए उनके देवनागरी में या फिर हिंदी में नाम जरूर लिखना है, और ऐसा दिखाना कि आपको बहुत ज़्यादा आता है डाउरी के रिचुअल के बारे में, और डाउरी के बारे में जितना हो सके आप एलेबोरेटली लिखना, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसे आप अच्छे से एलेबोरेट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।